नमस्कार, मैं हूं अर्चना शर्मा और आप देख रहे थे खबरें बाबू। छात्र जेडीयू जिला अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने गया कॉलेज प्राचार्य का किया स्वागत। आइए इस खबर को देखते हैं विस्तार से। गया में स्थित गया कॉलेज में छात्र जेडीयू जिला अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा जी ने अपने कॉलेज के छात्र जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ नव नियुक्त प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुमार का पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने बताया कि आज कॉलेज के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानाचार्य का किया गया स्वागत। कहा कि कॉलेज के विभिन्न मुद्दों को प्राचार्य के समक्ष रखा और उनसे आग्रह किया कि कॉलेज के मुख्य मूलभूत समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान हो, चाहे हर विभाग में पेयजल की समस्या हो या छात्रों की नामकरण, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य समस्याओं, सारे समस्याओं को जल्द से जल्द निर्धारण किया जाए। कहा कि प्राचार्य की गरिमा हमारे कॉलेज की गरिमा है, हम सबको उस गरिमा को बचाना है। श्री कुशवाहा ने बताया कि पिछले प्राचार्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा जिस तरह से तबादला कर दिया गया, यह निंदनीय है और इनकी निंदा जितनी की जाए वह कम है। जिस तरह से वो विकास छात्रों के लिए कर रहे थे, कॉलेज का विकास कर रहे थे, काबिले तारीफ था और उनके चले जाने से हम दुखी हैं और हमारी टीम जल्द मगध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से उनकी जवाब मांगेगी। तबादला आखिर क्यों किया गया, वो हर समय कॉलेज की समस्या के लिए खड़े रहते थे। इस मौके पर प्राचार्य दीपक कुमार ने छात्र जेडीयू के सभी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि आपकी हर एक समस्या को हम पूरी तरह से समाधान करते हैं, करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित दीप्ति कुमारी, प्रीति यादव, सोनम रोशन, जयप्रकाश शक्ति, प्रेम प्रकाश, अमरजीत एवं अन्य छात्र जेडीयू के नेता जनता उपस्थित रहे। कमी हमेशा खलते रहेगी, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ आदरणीय भीसी जी का। उन्होंने ऐसा क्या देखा जो हमारे प्रचार्ज का उन्होंने तबादला कर दिया। इसके लिए हमारी टीम भीसी सर को ही सौंपेगी और उस पर अनुशंसा उनसे जवाब मांगेगी कि आखिर हमारे दिनेश प्रसाद सिन्हा जी को क्यों हटाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कि जो नव नियुक्त प्रचार्ज है उनका विरोध करें। हम इनका स्वागत करते हैं कि आपने आया, अब ये किस तरह से कार्य करते हैं इनको मौका देते हैं। अगर ये मौका का फायदा गलत उठाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं जिस तरह के विकास आदरणीय दिनेश प्रसाद सिन्हा जी ने किया है, और उनके उनके विकासों का नहीं बढ़ा पाते, तो इनका विरोध हम निश्चित तौर पर करेंगे, यार फिर से बता देते हैं आपको। लेकिन अभी इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर आम की गरिमा है, हमारे महाविद्यालय की गरिमा है, उसका ये बनाए रखेगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि छात्रों की जो भी मूलभूत समस्या होगी उसको ये सॉल्व करेंगे और जल्दी हमारी टीम इनको आकर एक ज्ञापन देखने के सौंपने का काम करेगी। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सर का कमी, दिनेश प्रसाद सर का कमी हम सभी को खलेगा।